भजन संहिता 139 149 यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। वो नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौने पर पड़े पड़े जय जयकार करे। कि वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दें। और उनको ठहराया हुआ दंड दें। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यहाँ की स्तुति करो। हालेलुया। आप सब बैठ जाइए। परमेश्वर का धन्यवाद हो ये सुंदर वचनों के लिए। मेरे प्रियो, जो मैं ये वचन पढ़ रहा था उससे परमेश्वर ने ये वचनों के द्वारा बातें की। छठवां, सातवां और आठवां वचन देखेंगे। वहां लिखा हुआ छठवें वचन में, उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दोधारी तलवार हो। ये तलवार क्या है? कौन बता सकता है ये तलवार क्या है? प्रभु के वचन को परमेश्वर का ये दास कह रहा है कि उसके बच्चों के पास, उसके भक्तों के पास क्या होना चाहिए? परमेश्वर के वचन की तलवार होना चाहिए। और तलवार कहां कब चलाते हैं? जब दुश्मन युद्ध में, दुश्मन आप पर आक्रमण कर रहा है। हो सकता है आप इस जगह में, इस परिस्थितियों में, इस शहर में रहते हुए कोई दूसरा देश, दूसरे लोग आक्रमण नहीं कर रहे हैं, परंतु बाइबल बताती है बुरे लोग, दुष्ट लोग, घूस लेने वाले, ओ जो सब प्रकार के लालच से ग्रसित है, वो हमारे रोके, हम आपको रोकते हैं आगे बढ़ने के लिए, हमारे काम के लिए। तो क्या करना है? परमेश्वर का वचन लेना है। अगर इफिसियों 6 और उसका 17वें वचन में भी देखा जाए, समय नहीं है, मैं आपको बताऊंगा वहां क्या लिखा हुआ है। इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 17 सेज, टेक द वर्ड ऑफ गॉड व्हिच इज द स्वर्ड ऑफ द स्पिरिट, आत्मा की तलवार ले लो। ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। क्यों ले लें? सातवें वचन में जो हमने पढ़ा है 149 सातवें वचन में, वे जाति जाति से पलटा दे सके, राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे और उनके राजाओं को साकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे और उनको ठहराया हुआ दंड से। उसके सब भक्तों की ऐसे ही प्रतिष्ठा होगी। यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर की स्तुति करो। मेरे प्रियो, कितनी सामर्थ, कितना पावर परमेश्वर ने अपने बच्चों को दिया है। यदि आज आप यहाँ बैठे हैं, अपना दिल आपने यीशु को दे दिया है, आप उसके बेटे और बेटियां हैं, आपको यह अधिकार दिया है तलवार चलाने का। परमेश्वर के वचन रूपी और बाइबल की तलवार जो लिखे हुए कई प्रतिज्ञाएं लिखी हुई है, इसकी तलवार चलाए मेरे प्रियो। और एक और बड़ी सुंदर बात है, यिर्मयाह की किताब पहला अध्याय और उसका 9वां और 10वां वचन वहां दिया हुआ है। यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 9 एंड 10, पहला अध्याय 9 और 10 में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। ओ, यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं, सुन आज के दिन से तुझे जातियों और राज्यों
गिराने और ढा डालने के लिए, वो नष्ट करने के लिए, काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने के लिए और रोकने के लिए। अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे मेरे प्रियो, बड़ी सुंदर बात लिखा है। जब मैंने पढ़ा मेरा दिल आनंद से भर गया, मजा आ गया, वचन रूपी शहद को खा के। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है सुन, दसवें वचन में, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ठा डालने के लिए। कहे के लिए? गिराने के लिए, ठा डालने के लिए, नष्ट करने के लिए, काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने के लिए, रोपने के लिए। मेरे प्रियों, ये वचन को हम कैसे महसूस कर सकते हैं? एक बड़ा सुंदर उदाहरण जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था, मैं रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया कुछ महीने पहले। ऑनलाइन मैंने किया पासपोर्ट अपना रिन्यूअल के लिए अप्लाई। उसके बाद दो महीने बाद मैसेज आया मेरे पास कि आपका पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपके शहर के ये फलाना पुलिस थाना में गया है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास फोन आया कुछ दिनों बाद पुलिस थाना से। पुलिस वाले ने बोला हम आपका पासपोर्ट के वेरिफिकेशन के लिए आ जाइए आप। गया मैं वहां, मेरे प्रियो सब कुछ ओरिजिनल दिखाया मैंने उसको, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये वो। बोला ठीक है। फिर बोलने लगा ये सब ठीक है, आप साइन कर दीजिए ये वो। और बोलने लगा देखिए आप तो इधर उधर रहे, ये है वो है, मेरे लिए कुछ गिफ्ट इनाम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जो देते हैं आप भी दे दीजिए। क्या मांग रहा है वो? घूस, प्राइड। क्या करूं? मैंने बोला सर ये तो मैं कोई बाहर से या इधर से नहीं, मैं तो यहीं पर जन्मा हूं, पला बड़ा हूं, और मेरा खत्म हो गया। मैं रिन्यूअल के लिए, ये सब कुछ गलत काम के लिए मैं क्यों, ये घूस क्यों मैं दूं? गलत थोड़ी है, तो सही काम है। बोला नहीं नहीं नहीं, देख लीजिए आप। ऐसा करके उन्होंने मुझे भेज दिया, मैं आया। बाइबल बताती है हमारे पास क्या हथियार है, दो हथियार है, एक प्रार्थना है और दूसरा हमारा प्रयास है। बाइबल में लिखा हुआ है याकूब की किताब दूसरा अध्याय 20वें वचन में, विश्वास के बिना कर्म अधूरा है, या अगर आप काम नहीं करते तो आपका विश्वास अधूरा है। आपको विश्वास भी करना है, नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको जाना है अगर कंपनी में, मॉल में, बड़ी बड़ी रिलायंस में, जियो में, वहां जाके आपको अपना रेज्यूम बायोडाटा सबमिट करना है। बस हॉस्पिटल में आप हो सकता है नर्सिंग का, टेक्नीशियन का जॉब कर रहे हैं, जाइए शमिना हॉस्पिटल में, हाईटेक हॉस्पिटल में काम, यू अटेम्प्ट एंड गॉड विल ब्लेस। आप प्रयास भी कीजिए और प्रार्थना भी कीजिए। मैं दोनों करने लगा और प्रार्थना की, प्रभु ये घूस मांग रहा है। अगर हम बाइबल में पढ़ेंगे, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, बाइबल में लिखा हुआ है घूस नहीं देना ना घूस लेना। नीति वचन 15:27 में, नीति वचन 28:16 में, भजन संहिता 15:5 में, निर्गमन 23:8 में लिखा हुआ है ये सब, और व्यवस्था विवरण 23:18 में लिखा हुआ है घूस नहीं लेना ना घूस देना। मेरे प्रियो आपके जीवन में भी, हम सबके जीवन में, बिजली ऑफिस में गाय खंबा, नया कनेक्शन मुझे करना है, नल के लिए निगम में अप्लाई कर रहे हैं, अधिकारी पैसे मांग रहा है, नक्शा पास कराने के लिए, रजिस्ट्री कराने के लिए, एडमिशन के लिए, आपका टीएडीए का बिल भुगतान करने के लिए, लोन पास कराने के लिए बैंक अधिकारी पैसे मांग रहा है। हम सब इस समस्या का सामना करते हैं, परंतु आज की सुबह यीशु ने मुझसे कहा मेरे बच्चों को बता कैसे मैं उन्हें शेर दे सकता हूं इस भ्रष्टाचार से भरी हुई दुनिया में, वो कैसे जयवंत हो सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं, विक्ट्री प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो मैंने
प्रार्थना भी की और प्रयास भी किया। कुछ दिनों बाद मेरे पास फोन आने लगे, 3-4 बार। ज्यादातर मैं बिजी रहा तो नहीं उठा पाता हूं, 3-4 बार आ रहा है, रात को भी कर रहा है। तो फिर मैं परेशान होकर उठाया, कौन है भाई? बोला वो साहब ने बोला आपसे वो कांटेक्ट करने के लिए, आपका पासपोर्ट का वो वहां फंसा हुआ है ना। बोला आप चिंता मत कीजिए, चला गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। अलग ठीक, धन्यवाद। कुछ दिनों बाद मैसेज आ गया, आपका पासपोर्ट आ गया। फिर कुछ दिनों बाद वहां के अधिकारी ने फिर से मेरे को कई बार कॉल करने लगे। वो साहब जी बोल रहे हैं आपने बताया था कि ऐसा ऐसा हो रहा है करके, वो बोल रहे हैं जो मांग रहा था उसकी हम वो करेंगे, अच्छी पनिशमेंट देंगे उसको, आप आ जाइए अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। कई बार बुलाया, मैं बोला मैं अभी बिजी हूं, मैं आऊंगा। और एक दिन गया मेरे प्रियो वहां पर, वो बोले आइए बैठिए सर। मुझे याद आ गई, मैं कॉलेज में जब प्रोफेसर था तो लड़के लोग मुझे, स्टूडेंट लोग सर बोलते थे। पुलिस अधिकारी मुझे सर बोल के बैठाने लगा, बोला चाय पिएंगे? मैं बोला नहीं सर, जल्दी मुझे जाना है, बताइए। बोले वो जो है वो उसके बारे में क्या वो हो रहा था, क्या मांग रहा था वो? मैं बोला सर ऐसा सर था। बोला मैं बोला शायद तो वो अभी इधर दूसरे कमरे में बैठे हो। बोला इस बात की चिंता मत कीजिए, साहब को पता चला तो उन्होंने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। जो लोग वहां बैठे थे घूस लेते थे, पूरा सिस्टम ऐसा था जिसको पासपोर्ट बनाना है, रिन्यू करना है, पैसे घूस देना पड़ेगा, पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। वो आदमी नहीं आ रही वो, हालेलुया। राज्यों को, अधिकारियों को धा डालने के लिए, गिराने के लिए आपके साथ आपका योद्धा है, परंतु हमें हार नहीं मान रही। अरे 500 रुपए, 5000, 1000 रुपए मांग रहे हैं नक्शा पास कराने के लिए, रजिस्ट्री के लिए, लोन के लिए, ट्रांसफर के लिए, नौकरी के लिए, एडमिशन के लिए, दे देता हूं। ना 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 ना, प्रार्थना करें, अपने प्रभावों का इस्तेमाल करें। हालेलुया, यीशु आपको आशीष देगा। मैं बोला ठीक है। बोला फिर वो निवेदन करने लगा, भाई साहब वो जो भाई थे ना जो मांग रहे थे, वो अभी रिटायर होने वाले हैं 2 महीने बाद, तो अगर उसका वो सीआर मैं अगर बिगाड़ दूं तो उसको पूरा जो रिटायरमेंट पास पैसा मिलता है वो भी सरकार से नहीं मिलेगा, और वो बेचारा आदमी 10 प्रकार की बीमारियों से ग्रसित। मैं क्या करें सर? मैं बोला छोड़ दो और बता देना 2 महीने में और किसी का वो ना करे ऐसा काम। वो बोला कोई बात नहीं, वो तो उसको यहां से हटा दिया गया है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन शीर्ष प्रबल है, तो धारी तलवार से भी वो चौका है। आप ये तलवार को ले ले मेरे प्रियो। एक और बात, मैं ये वचन का प्रचार ऐसे ही बातों बातों में एक कहानी या इतिहास के रूप में नहीं करता, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। मेरे प्रियो, मैं कई साल बाहर रहा, गुजरात में, कुवैत में, कई साल हुआ, मुझे यहाँ ज्यादा लोग जानते नहीं, मैं ज्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया, एक्सपायर होके 6 साल हो गए। जब मैं यहां आया, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस, अरे पुलिस चेकिंग हो रही है ड्राइविंग लाइसेंस, पूछते हो, मेरे पास तो 6 साल पुराना वाला एक्सपायर चला है। पिताजी से पूछा, पिताजी काफी इधर घूमते फिरते हैं, तो सब बोले वो एजेंट को देना पड़ेगा, वो कमीशन लेगा, पैसे देगा, वो इतने 1000 रुपए ऐसा वैसा। मैंने भी पता लगाया, अरे इतने 1000 रुपए, बोला अपनी तरफ से प्रार्थना करके क्यों ना प्रयास करें। हालेलुया, दूसरों पर निर्भर होने के बजाय, लिखा हुआ बाइबल में भजन संहिता 146 में कि मनुष्यों पर भरोसा न रख, न राजकुमारों पर, न राजाओं पर, वो आज है कल चले जाए, परंतु हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखना है। और मैं खुद प्रार्थना करके आरटीओ ऑफिस दुर्ग में गया, वहां गया पहले दिन और लंबी लाइन लगी हुई है वहां पर, और काफी देर मैं भी खड़ा रहा, मेरा
एक्सपायर हो गया तो बोले फॉर्म भरना है, ये है, वो है। मैंने भरा हो सब, उसके बाद जमा करने के लिए लाइन लगी हुई है, 2 घंटे हो गए खड़े हुए। मेरे पास कुछ फोन आए प्रार्थना निवेदन के, तब तक मैं 1-1 घंटा कुछ लोगों से प्रार्थना करता रहा, मेरा टाइम पास हो गया। परंतु 2 घंटे के बाद भी लाइन कुछ बढ़ ही नहीं रही है। मैं पता करने लगा क्या हो रहा है, पता चला सर्वर डाउन है। क्या डाउन है? सर्वर डाउन है। अच्छा, वो बोले कि कब तक आएगा सर्वर? बोले उसका कुछ पता नहीं, कल भी डाउन था, परसों भी डाउन था, 1 हफ्ते से डाउन चल रहा है। ओहो, बोला कल आके आप देख लीजिए, आज तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 2 बज रहे थे। बोला ठीक है। दूसरे दिन गया, दूसरे दिन भी पता चला वो सर्वर डाउन है, फिर से लंबी लाइन लगी हुई है। लोग कहां कहां से, वो बालोद से, आसपास के गांव से आए हुए हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आरटीओ ऑफिस में, परंतु सर्वर डाउन। 2-3 दिन समय का बर्बादी, पेट्रोल की बर्बादी, आने जाने में कितने लोगों का पैसों की बर्बादी। गांव से आ रहे हैं, छुट्टी लेके आ रहे हैं। मेरे प्रियो, उस दर्द को आप एक समाज सेवी के रूप में आप समझिए। तो मैं तीसरे दिन गया, मैं बोला कौन है भाई, ये सर्वर कैसे डाउन हो रहा है, कौन सा क्या सिस्टम है, थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है सर्वर का। किससे आते हैं आपके पास वो ब्रॉडबैंड का लाइन, एयरटेल से, जियो से या बीएसएनएल से? बोले वो सब अधिकारी जानते हैं। और अच्छा, मुझे अधिकारी से मिलाइए वहां के। उन्होंने मिलाया, काफी देर बाद आए वो, बोले क्या? मैं बोला सर ये सर्वर डाउन है, मैं सुन रहा हूँ 2 हफ्ते से डाउन है। बोले आप कौन है? मैं बोला मैं समाज सेवी। बोले क्या करते हैं आप? मैं बोला समाज की सेवा करता हूँ, जैसे रोड पे गड्ढे हैं, ट्रैफिक है, ये असामाजिक तत्व रात को जमा होके दारू पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो मैं उनके वो उपाय करता हूँ, उनके लिए प्रबंध करता हूँ कि रोड सही हो जाए, ये हो जाए। मैं बोला सर उसी के अधिकार से साथ मैं आपकी समस्या को, ये सर्वर डाउन की समस्या को सॉल्व करना चाहता हूँ, क्या प्रॉब्लम है मुझे भी बताइए। बोले आप ऐसा कीजिए, वो रायपुर से कंट्रोल होता है वहां पर। मैं बोले ठीक है, इसका ईमेल आईडी दीजिए। बोले फिर थोड़ा बहुत घुमा फिरा के उन्होंने दिया, मैंने प्रार्थना की, प्रयास किया। मेरे कुछ दिनों बाद बोला, फोन आ गया, बोला अब सर्वर चालू हो गया, आ जाइए। गया मैं वहां, सर्वर चालू हो गया, धन्यवाद यीशु। और फिर से वो लाइन लग रही है, फिर से बोल रहा है अरे फिर से सर्वर डाउन हो गया। फिर से मैंने कॉल किया वो सर्वर वाले अधिकारी को, कॉल है भैया सर्वर डाउन हो गया, बोल रहे हैं। बोले नहीं नहीं, कौन बोलता है सर्वर डाउन हो गया, चल रहा है। वो अफसर लोग चाय पीने, वो बाबू लोग वहां चले गए होंगे, ये बोलती है अभी चाय वो सर्वर डाउन है करके। मेरे प्रियो, जब उन्होंने सुना उनके पास तमाम फोन आ गया। अब बोले कौन है भैया, सैमुअल कौन है? लाइन में से मुझे बुलावा आया। वहां के अधिकारी लोग खड़े हो गए, बोलिए इनका काम कर लीजिए। हालेलुया, और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस घर में पहुंच गया। तो ये वचन की तलवार मेरे प्रियो, जो घूस लेते हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी है, ऐसे लोगों का जब आप सामना करें, ये वचन की तलवार को ले ले। और जिस प्रकार से हमने भजन संहिता में पढ़ा है, ओ उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से चकड़ रखे, ऐसे भ्रष्ट लोगों को, ऐसे घूस वाले लेने वाले अधिकारियों को चकड़ के रखे, और उनको आप हटवा भी सकते हैं। हालेलुया, पासपोर्ट के लिए पूरा वो जो ये सिस्टम था वो चेंज हो गया, ये शुभ के लिए करेगा। मैं कोई स्पेशल नहीं, मुझे यहाँ कोई ज्यादा लोग जानते नहीं, परंतु केवल प्रार्थना, प्रयास और ये वचन की तलवार ले ले। हालेलुया, आइए आंखें बंद करें, 2 मिनट प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं जानता हूँ यीशु आपने ये वचन कहा, बोला जा मेरे लोगों को बता, क्योंकि कई लोग परेशान हैं, तनाव में है, वो काम कराने के लिए, एडमिशन कराने के लिए, ट्रांसफर कराने के लिए, प्रमोशन कराने के लिए, नक्शा पास कराने के लिए, सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए, लोन प्राप्त करने के लिए, वो उनसे खुश भ्रष्ट
अधिकारी, दुष्ट अधिकारी, बुरे अधिकारी मांगते हैं पिता जो आपने मेरे साथ किया। यीशु मैं प्रार्थना करता हूं जो आपके बच्चों ने ये वचन को जीवित वचन को जो दो धारी तलवार से भी चौका है, शब्द है नहीं टू एज स्वॉर्ड, वो उसका इस्तेमाल करें और क्रूस को देने की जरूरत उन्हें नहीं पड़े। भ्रष्ट अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपने कहा पहला तिमोथी दूसरा अध्याय पहले वचन से चौथे वचन तक, वो अधिकारियों के लिए राजाओं के लिए प्रार्थना करो ताकि शांति के साथ आराम से जीवन बिता सके। हम प्रार्थना करते ईमानदार वफादार मेहनती ओ अफसरों को नियुक्त कीजिए क्योंकि यू रेज द किंग एंड रिमूव द किंग। हालेलुया। आप राजाओं को उदय करते हैं और उनका अस्त करते हैं। मैं प्रार्थना ये आशीष के वचन हरेक भाई हरेक बहन के जीवन में पूरा यीशु के नाम में, आमीन। धन्यवाद पास्टर सैमुएल को इस सुंदर वचनों के लिए। आइए हम एक गीत गाएंगे और उस समय अपनी भेंट प्रभु को चढ़ाएंगे।